नमस्कार दोस्तों मैं भूपेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं जी हां दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और पूरी डिटेल देता हूं बालों के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो दोस्तों आज सुबह मुझे एक कमेंट आया मेरे यूट्यूब चैनल पर सर आप मेरी हेल्प करो या फिर मैं मर जाऊँगा मुझे जनरली मैसेज ऐसे नहीं आते लेकिन मुझे ऐसा मैसेज कमेंट आया तो मुझे अजीब लगा फेल हुआ कि भाई लोग ऐसे कमेंट कैसे कर देते हैं So, दोस्तों मैंने उनको बोला कि बताओ भाई कि आपको ऐसा क्या चाहिए कि आप मर जाएंगे कुछ कमेंट इस तरीके से था आप देख लीजिए मैंने उनको रिप्लाई भी किया लेकिन मुझे फाइनली समझ में आया कि लोग अपने बालों को लेके इतना मतलब सोचते हैं इतना उसमें झूझे रहते हैं इतना परेशान रहते हैं क्योंकि कमेंट करने वाले हमें बहुत है यार कोई चिड़ाने वाला है कोई मदद करने वाला नहीं है हमारे घर वाले ही यहाँ तक बोलने लगते हैं भाई ये टकले इधर आ ये गंजे इधर आ कुछ भी मतलब उल्टा पुल्टा हमको कमेंट मिलने लगता है इस कारण से और ज़्यादा हम परेशान होने लगे हैं सो दोस्तों उसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा नमन करूँगा कि भाई प्लीज़ ऐसा कदम बालों के लिए बिल्कुल ना उठाएं ऐसी कदम बिल्कुल ना उठाएं जिससे आपके फैमिली को आपके चाहने वाले के आपके यार दोस्तों को प्रॉब्लम हो या फिर आप जान दे दें बिल्कुल नहीं दोस्तों मैं जानता हूँ कि छोटे से छोटे बच्चों को भी आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम है बड़े से बड़े लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और वो सर पे बाल चाहते हैं इस वजह से कभी भी गलत कदम मत उठाइए मैं हेल्प करूँगा दोस्तों आप मुझे कमेंट करो आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा वीडियो बनाऊँगा आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगा मैं जितना हो सके आपके लिए हेल्प करूँगा तो बिल्कुल ऐसा कदम ना उठाएं और सेफ रहिए घर पे अपने माता पिता के बात सुने और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जहाँ तक बात रही मैं बैठा हूँ आपको हेयर ट्रांसप्लांट में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करें मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा तो थैंक यू सो मच ये बातों को ध्यान में रखेगा सेफ तो, तो आज के वीडियो के बारे में बात करें तो आज मैं आप लोगों को फिर से रिजल्ट दिखाने वाला हूं आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट है जो पुना में रहते हैं बेसिकली वो यूपी के हैं वो आके हमारे यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करवाए आज से डेढ़ साल पहले और आज वो एक रेफरेंस लेके अपने भाई का रेफरेंस लेके फिर से आए हैं उनका भाई उनके साथ आए हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तो उनका प्यार से समझेंगे कि कैसी डेंसिटी उनको मिली थी क्या ट्रांसप्लांट हुआ था क्या खर्चे आए थे पूरी डिटेल तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा पहले ये वीडियो दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है बिकॉज आज जो हमारे साथ पेशेंट है हमारे साजन जी बहुत अच्छे पेशेंट है जिन्होंने आज से डेढ़ साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और काफ़ी अच्छी तरीके से उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वही चीज़ जानेंगे कि कितने अच्छी तरीके से उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनके रिजल्ट तक दिखाऊंगा और उनकी मुँह जबानी एक पेशेंट रिव्यू है क्योंकि अभी वो एक अपने भाई को लेके है ट्रांसप्लांट करवाने आए थे तो उनका एक पेशेंट रिव्यू हमने रेडी किया है आप लोगों के लिए तो आपको आज वो देखना है सो दोस्तों पहले मैं उनके बिफोर से दिखाना चाहूँगा कि पहले उनका गंजापन किस तरीके से था चूँकि ऐसा सो so दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका गंजापन कॉर्नर कॉर्नर है ज्यादा गंजापन नहीं है सेकंड से थर्ड ग्रेड का गंजापन है लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई आजकल छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक पूरे गंजेपन के लोग शिकार होते जा रहे हैं आजकल बच्चा नहीं लग रहा है जवान नहीं लग रहा है सब गंजेपन के शिकार हो रहे हैं तो भाई इनका डिसाइड ये था कि भाई हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे और अपने बाल वापस पाएंगे ये काफी दूर जर्नी करके दो हजार हजार किलोमीटर जर्नी करके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आए और इनकी सर्जरी बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया जो कि ये रहा आप देख सकते हैं कि भाई इनको 2000 ग्राफ्ट लगे हैं 2000 ग्राफ्ट का इनकी कॉस्टिंग यही है पंद्रह रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से तीस हज़ार रुपये दोस्तों इनको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ा ना कि कोई पीआरपी लेनी पड़ी ना कोई कोई मेडिसिन लेने पड़े ना कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा इनको करना पड़ा साथ ही साथ इनको क्लिनिक में बहुत सारी सुविधाएं मिली जैसे इनको खाना फ्री मिला रहना फ्री मिला और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट फाइव डेज़ की मेडिसिन यानी कि गोलियाँ वो भी फ्री मिली उसके लिए कोई चार्जेस नहीं वो दोस्तों कंडीशन और वो ऑफर समझ लीजिए आज भी है आप कहीं से भी आए आपको कोई चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे कोई एक्सर खर्चा नहीं पड़ेगा साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी सो so, दोस्तों इनकी सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से की गई है एफ यू ई टेक्निक से ग्राफ्ट निकाले गए और निडिल टेक्निक का प्रयोग किया गया दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि निडिल टेक्निक का प्रयोग भारत में बहुत कम क्लिनिक्स में किया जाता है और निडिल टेक्निक से आपको फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं जस्ट लाइक like मैं बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है निडिल टेक्निक से उनके रिज़ल्ट हंड्रेड होते हैं उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता आपको एकदम नेचुरल और अच्छा रिजल्ट मिलता है निरील टेक्निक से प्रयोग करने से दोस्तों आपको एक डेंसिटी मिलती है एक घनत उपन मिलता है जो आगे चल के आपको सिर्फ फ़ायदा दिलाता है कोई भी नुकसान नहीं होता है तो वो क्लिनिक सिर्फ यही है दोस्तों आप क्लीनिक नंबर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने पूरे सवालों के जवाब पा सकते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेडल टेक्निक का प्रयोग किया गया डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा दी गई है और सामने एक मोटी पट्टी डिसाइड किया गया है दो हज़ार ग्राफ का आफ्टर हेड वॉश यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट के सात दिन बाद हमको सर धोना होता है और उसी में हमको समझ में आ जाता है कि भाई एक्चुअल डेंसिटी हमको कैसे मिली है रिजल्ट हमको कैसा मिलने वाला है जो कि कुछ इस तरीके से है आप देख लीजिए कि भाई जैसा ग्राफ्ट लगाया गया था वैसा ही इनको डेंसिटी मिली है यही होती है नील टेक्निक की पहचान आप कहीं भी मत भटकिए आप किसी भी टेक्निक में मत फंसीए क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो अलग अलग टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं लेकिन मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता हूँ क्योंकि मैंने भी तीन साल पहले करवाया था जो कि कुछ इस तरीके से मैं दिखता था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेके मेरे भी 2000 ग्राफ्ट लगे थे और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है इसीलिए मैं आपको रेफरेंस देता हूँ डॉक्टर की टीम है डरमेट की टीम है स्पेशलिस्ट है बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के डॉक्टर हैं तो आप बिल्कुल घबराइए मत जाइए हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए यही डेंसिटी पूरा रिज़ल्ट पे मिलेगा और पूरा रिज़ल्ट इनका आ गया है यानी कि डेढ़ साल का रिज़ल्ट जनरली रिज़ल्ट आने में दोस्तों आठ महीना नौ महीना दस महीना साल भर लगता है लेकिन इन्होंने अभी हमसे कॉन्टेक्ट किया अपने भाई को लेकर दोस्तों ये अपने भाई को लेकर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आए तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा तहे दिल से कि भाई ये खुद तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाए और अपने भाई को ले आए ऐसे बहुत रेफरेंस आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ अपने यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ और आप मेरे बिलीव में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं और आप अपने आप को भी पाते हैं और अपने भाई को भी करवाते हैं अपने दोस्त यारों को भी करवाते हैं क्यों दोस्तों इस क्लीनिंग कुछ न कुछ तो खासियत होगी कुछ डॉक्टर में कुछ ना कुछ तो बात होगी तब तो इतने हेयर ट्रांसप्लांट के वीडियो मैं डालते रहता हूँ रिजल्ट दिखाते रहता हूँ क्यों भाई क्योंकि यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट होता है अच्छी तरीके से होता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये डेंसिटी अच्छी लगी होगी सर्जरी अच्छी लगी होगी और मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो साथ ही साथ अब पेशेंट की रिजल्ट देख लेते हैं हमारे साजन भाई के रिज़ल्ट देख लेते हैं कुछ इस तरीके से so दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं डेढ़ साल का रिज़ल्ट है अभी तक ये कोई गोलियां नहीं लिए हैं कोई पीआरपी नहीं लिए कोई फेनेस्टाइड नहीं लिया कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे नहीं किए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ बहुत बड़ी सर्जरी नहीं थी 2000 हज़ार ग्राफ्ट की सर्जरी थी लेकिन दोस्तों सर्जरी छोटी हो या बड़ी हो सर्जरी मायने रखती है आपके ग्राफ्ट लगाने के ऊपर आपके टेक्निक के ऊपर आपके एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे क्लिनिक के ऊपर जो कि इनको मिलाया इनको मिला तो ये आज एक अच्छा रिजल्ट के मालिक हैं एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट के मालिक हैं और आज ये खुश हैं क्यों क्योंकि इन्होंने एक अच्छी क्लिनिक चूज़ की आप भी कर सकते हैं दी हुए क्लिनिक नंबर पे सो so दोस्तों मुझे तो पर्सनली इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा सो so आप आगे तक रिज़ल्ट देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों इनके बिफोर और आफ्टर आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले कैसे दिखते थे और अभी ये कैसे दिखते हैं तो दोनों में बहुत फ़र्क है बहुत डिफरेंस है तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप भी ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए कभी भी गलत कदम ना उठाएं, जिससे आप लोगों को फैमिली को आप जिससे प्यार करते हैं तो बहुत दुख होगा यार मुझे बहुत दुख होगा तो दोस्तों ये रिज़ल्ट रही आप इनकी मुँह जबानी सुन लेते हैं प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा स्किप मत कीजिएगा तो आप ये सुन लीजिए मेरा नाम सार्जन है और मैं पुणे से रहने वाला हूँ मैंने यूट्यूब पे भूपेंद्र सर की वीडियो देखी थी तो वहाँ से कांटेक्ट नंबर लिया था तो क्लिन, क्लिनिक को मैंने कांटेक्ट किया था तो मेरा सर्जरी यहाँ पे हुआ था और सर्जरी होने के बाद मुझे पाँच दिन की मेडिसिन मिली थी वो जो पेन किलर थी बस वही खाई थी मैंने इसके बाद कोई भी पी भी नहीं कोई भी मेडिसिन नहीं और अभी मेरा वन ईयर वन हाफ ईयर हाँ हो रहा है कुछ भी नहीं और रिजल्ट आपके सामने है और अभी मैं मेरा रिजल्ट अच्छा आया है इसके लिए मेरे भाई हैं उनको भी मैं लेकर आया हूँ उनका भी रिजल्ट अच्छा आएगा तो और भी लेकर आएंगे और फिलहाल उनका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा क्योंकि मेरा इतना अच्छा आया है और बिंदास कराओ आपने देखा इनकी डेंसिटी देखा इनका बिफोर इनकी बातें सुनी इनका रिजल्ट देखा साथ ही साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं पूरे हेयर ट्रांसप्लांट में रिजल्ट तो मैटर रखता है लेकिन आप एक बातें भूल जाते हैं खास करके डोनर एरिया जो हमारा ये होता है दोस्तों डोनर एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि दोस्तों क्लिनिक में लोगों को नॉलेज नहीं होता ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं ऐसे सारे डॉक्टर हैं जिनको पूरा नॉलेज नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट वो कर तो देते हैं लेकिन अगर आपको 2000 ग्राफ्ट की ज़रूरत है वो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल देते हैं और आपका डोनर एरिया ख़राब कर देते हैं जिससे आपको एक रिज़ल्ट तो मिलता है लेकिन डोनर एरिया से पूरा एक गंजापन नज़र आने लगता है बैक साइड आपका पूरा डोनर एरिया वो निकाल लेते हैं दोस्तों आप पैसे तो बार बार कमा सकते हैं लेकिन आपके जन्मजात जो बाल पीछे हैं वो निकल जाएंगे तो आप फिर से कैसे लाएंगे उसे वापस तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कि कुछ इस तरीके से इनका डोनर एरिया है सेफ नीट एंड क्लीन बहुत ही सही और बहुत ही अच्छी तरीके से इनका डोनर एरिया निकाला गया था ई टेक्निक से बहुत सेफ़ और अच्छा है सो so दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेरा छोटा सा वीडियो नॉलेज वाला वीडियो जिससे आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिले या फिर आप चाहे कि भाई आपको दूसरा वीडियो बनवाना है आपको कोई भी टॉपिक में वीडियो बनवाना है आपको कोई भी टॉपिक में वीडियो बनाना तो मैं बैठा हूँ अच्छे से वीडियो बनाऊँगा सेफ़ वीडियो बनाऊँगा जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले चलता हूँ दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नई जर्नी के साथ एक नए पेशेंट के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक ध्यान रखिए घर पे रहिए सेफ रहिए थैंक यू